सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंडो सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज दो राज्यों के नतीजे आए हैं, एक तो हरियाणा है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और एनसी यानी कि नेशनल कांग्रेस की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ जम्मू में बनती नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा का जो एग्जिट पोल था उसमें बड़ा बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके से माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना सकती है, एग्जिट पोल के सारे आंकड़े यहां पर अब फेल होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस महज 34 सीटें, INLD के पास 2 और AND के पास 3 सीटें जाती नजर आ रही है। अभी तक नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 14 सीटों पर जीत चुकी है, बीजेपी 13 सीटों पर जीती है और इंडिपेंडेंट 2 लोग जीते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की सबसे प्रमुख सीट, जी हाँ, जुलाना, जहां पर पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा था। सो फाइनली जुलाना विधानसभा सीट के नतीजे आ चुके हैं। 15 राउंड की काउंटिंग होनी थी, 15 राउंड के नतीजे जो है वो आ चुके हैं। विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर लिया है। तो कितना वोट मिला है विनेश फोगाट को, कितने वोटों के अंतर से जीती है, दूसरे नंबर पर कौन रहा है और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के पहलवान थे उनको कितना वोट मिला है, ये सब चीज़ आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा देता हूँ जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसमें विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। 15 राउंड की गिनती के बाद उनको 65,080 वोट मिले हैं, यानी कि 65,080 जो है वोट मिला हुआ है। जबकि योगेश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी अच्छा खासा वोट पाया है और तकरीबन 59,065 वोट पाए हैं। हालांकि यहां पर विनेश फोगाट जो है वो 6,015 वोटों के भारी अंतर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव जो है वो जीत चुके हैं, जबकि INLD को महज 10,000 ही यहाँ पर वोट मिला है। तो जो आम आदमी पार्टी की कविता रानी खड़ी थी, माना जा रहा था कि ये भी स्पोर्ट्स पर्सन है और आम आदमी पार्टी ने बड़ा दाव खेला है, लेकिन यहाँ पर टाई टाई फीस होती नजर आ रही है। महज 1,280 वोट ही जो है वो कविता रानी को मिले हुए हैं। तो यहाँ पर विनेश फोगाट ने 6,015 वोटों से चुनाव जीत गई है और पहलवान के बाद ये पहली बार जो है वो कहने कहीं विधायक बने हैं। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बाकी इस खबर पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।